नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हथियार तस्करों की सूचना पर एसटीएफ टीम ने की छापेमारी, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। ढोल बजाकर मुखिया दे रहे हैं सरकारी योजनाओं की जानकारी, पंचायत के लोगों ने की उसके कार्य की तारीफ। बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी, प्रत्याशी और समर्थक कर रहे हैं जीत की दावेदारी। और एक बार फिर लोगों को सताने लगी कोरोना वायरस की चिंता, अधीक्षक ने कहा वायरस से लड़ने के लिए अस्पताल है तैयार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में एसटीएफ की टीम ने दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों की निशानदेही पर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। दरअसल एसटीएफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दो तस्कर भागलपुर से हथियार लेकर ट्रेन से जाने वाले हैं। इसके बाद एसटीएफ ने दो तस्करों को अवैध अर्धनिर्मित हथियार के साथ दबोच लिया। हथियार के अवैध धंधेबाज ने चंपानगर के हकीम शाह लेन में मिनी गन फैक्ट्री चलाए जाने की सूचना दी। इसके बाद एसटीएफ ने नाथनगर थाना पुलिस के सहयोग से उक्त स्थान पर किराए के मकान के घर में छापेमारी की। वहां मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। मौके से लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिल समेत हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए गए हैं। संचालक मोहम्मद फैजल मौके से फरार हो चुका है। इसके साथ ही एसटीएफ ने अन्य कई जगहों पर छापेमारी की। सिटी एसपी सुनप्रभात ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बिहार एसटीएफ के सूचना के आधार पर दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार मिले हैं। इसके निशानदेही पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पकड़ाए तस्करों में से मुंगेर का गुड्डू शर्मा व नवगछा के रंगरा का संजय शामिल है। हथियार को भागलपुर से मुंगेर ले जाया जा रहा था। एक हथियार पर 9,500 रुपया खर्च किए जाने की बात कही जा रही है। भागलपुर में एक ऐसा गांव जहां मुखिया के द्वारा ढोल नगाड़ों को बजाकर सरकार की हर योजनाओं की जानकारी दी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कहलगांव अनुमंडल के एकड़ारा पंचायत की, जहाँ के मुखिया संजीव सहाय के द्वारा ढोल नगाड़े बजाकर अपनी योजनाओं की जानकारी अपने पंचायत वासियों को दी जाती है, जिससे कि पंचायत वासियों को पंचायती राज की हर योजनाओं की जानकारी दी जाए। इस दौरान उन योजनाओं के लाभ से संबंधित जानकारी भी दी गई, जिससे लोग जागरूक हो सके। बता दें कि बिहार के किसी भी पंचायत में इस तरह से योजनाओं की जानकारी लाभुकों तक नहीं पहुँचाई जाती है। मुखिया के इस कार्य की पंचायत के लोग भी तारीफ करते हैं। वहीं इसको लेकर मुखिया ने बताया कि गांव के लोग काफी भोले होते हैं और उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं होने से कई योजनाओं के लाभ से वो सभी वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण ढोल नगाड़े बजाकर लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाती है। बड़ी बात यह है कि इस माध्यम से गांव का विकास भी हो रहा है। भागलपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर एक ओर जहां शहर में ई रिक्शा पर लगे प्रत्याशियों के फ्लैक्स के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को हैंडवील के माध्यम से अपने चुनाव चिन्ह पर मतदान की अपील की जा रही है, वहीं मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद पद के उम्मीदवार भी लोगों से घर घर मिलकर लोगों से समर्थन देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि भागलपुर नगर निगम चुनाव में महापौर पद के 9 और उप महापौर पद के 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और इसमें से अधिकतर प्रत्याशी अपनी जीत के लिए सुबह से रात तक जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि इसमें से महापौर पद के लिए पूर्व मेयर सीमा शाह, डॉक्टर वसुंधरा लाल, खुशबू कुमारी गजाला परवीन और श्वेता प्रियदर्शनी अधिक सक्रिय नजर आ रही हैं। वहीं उप महापौर पद के लिए कविता राय, संतोष कुमार, डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, डॉक्टर ओमनाथ भारती समेत कई प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि शह और मात के खेल में ऊंट किस करवट बैठेगा और कौन नगर सरकार की कमान संभालेगा, इसका अंतिम फैसला तो मतदान और मतगणना के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल हर प्रत्याशी और उनके समर्थक अपने को सबसे बेहतर प्रत्याशी बताकर जीत का दावा भी कर रहे हैं। वहीं लोगों के बीच जातिगत समीकरण को लेकर कई तरह की चर्चा जोरों पर है। चीन में फिर से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब भारत के लोगों को भी इसकी चिंता सताने लगी है। वहीं बात अगर भागलपुर की करें तो भागलपुर का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एमसीएच कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए 30 बेड तैयार करके रख लिए गए हैं। सभी वार्डों में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली गई है, साथ ही साथ दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। गौरतलब हो कि मायागंज अस्पताल के सभी कोरोना वायरस को लेकर
अस्पताल के कर्मियों ने भी इस नए वेरिएंट BF7 से लड़ने के लिए कमर कस ली है। इसको लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सिंह कुमार दास ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए वे लोग पूर्ण रूपेण तैयार हैं। संभावित कोरोना BF7 से पहले MCH पार्ट में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए 30 बेड लगा दिए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर सभी दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही अधीक्षक असीम कुमार दास ने लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने के साथ मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने की बात कही। संभावित कोरोना को लेकर पूरी तैयारी है, 30 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं कोरोना के लिए MCH भवन में। सारी दवाइयाँ और जो कंज्यूमेबल आइटम्स है वो मौजूद हैं और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सब ऑक्सीजन बेड्स हैं। और जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों की आवश्यकता अनुसार अब ड्यूटी लगी हुई है। और इस प्रकार जो है, तो अब यह है कि अभी जो वेरिएंट सामने में आया है VF7 वेरिएंट है, अब हमारे यहाँ हम लोग अभी भी 800-900 के लगभग RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। अब जहाँ भी शक वाला होगा उसमें हम लोग टेस्टिंग को बढ़ाएंगे और प्लस उसके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग सैंपल भेजेंगे, ताकि ये पता चले कि क्या वही सीरियस वेरिएंट है या फिर मामूली वेरिएंट है, जैसा कि तीसरे और चौथे वेव में जो आया और चला गया, पता भी नहीं चला। तो इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है, हम लोग पूरी तरह से। भागलपुर के गोराडी प्रखंड के सारठ डहरपुर पंचायत का लकरा गांव के लोग अपने गांव की व्यवस्था को लेकर काफी परेशान हैं। दरअसल इस गांव में पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है, खेत की पगडंडियों के सहारे 1 किलोमीटर तक पैदल सफर तय करनी पड़ती है। साथ ही इस गांव में पीने के पानी तक के इंतजाम नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही दिनेश पासवान बीमार है, जिसे इलाज कराने के लिए डॉक्टर को फोन किया गया, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण डॉक्टर नहीं पहुंचे तो चारपाई पर टांग कर ले जाना पड़ा। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में लड़के लड़कियों के शादियों के लिए रिश्ते तक नहीं आ रहे, शादियां करवाने के लिए कई परेशानियों से होकर उन लोगों को गुजरना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों के कारण इस गांव के लोग पलायन कर अपने रिश्तेदार या फिर दूसरे गाँव में जमीन लेकर बस चुके हैं। 127 घरों में से अब महज 25 घर ही बच गए हैं, जिसमें से एक घर ही पक्का का है, बाकी 24 फूस के हैं। जबकि 1970 में ही बनाई हुई स्थापित एक स्कूल है और एक जर्जर सामुदायिक भवन है। इन सबको सुधारने के लिए जनप्रतिनिधि भी इस गांव की ओर ध्यान नहीं देते हैं। घर निजी पहले यहीं लकड़ा पड़ता है और हाँ, अभी कहाँ रहने लगे? अभी भाटकोरमा में रहते हैं। क्यों वहाँ रहने लगे? वहाँ तकलीफ के कारण से चला गए, रोड वोड नहीं है। अब पैसे जैसे समझिए, ये जंगल एरिया है, देखबे करते हैं, सरकार जो सुविधा देगा तभी नहीं होगा। तो हम लोग 15-20 साल से जाने से हो गया है। अभी यही जमीन जगह थोड़ा खोजने की मुखिया के पास भी गए थे, यहाँ जो लिया उसके पास भी गए। पहले तो और दिक्कत होता था, जितना बाढ़ फिर इतनी सुखाड़ हो गया, तो थोड़ा सा परेशान। आप भी चला आए, नहीं तो आने का कोई रास्ता नहीं, यहाँ नहीं था। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मेरा नाम इंडी अंसार है, मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लिनिक के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं, जिनके द्वारा डायबिटीज जल से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए, जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज पेशेंट हैं, वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं। धन्यवाद।
हेलो, पहले तो सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा धन्यवाद डॉक्टर साहब देता हूँ कि जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। मेरा नाम साहिल कुमार है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और जो है मैं स्टेट बैंक में जॉब करता हूँ। मैं 2 साल से अंग्रेजी दवाएँ कर रहा था जिससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था और खाने पीने में मुझे बहुत रोक टोक होती थी। आलू नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ये टैबलेट खाना वो बंद करना। मैं दवाइयाँ इतनी मेरे घर पे थी कि मैं बहुत परेशान हो गया था दवाइयों खाते। अब मैं ये सोचता कि क्या मैं पूरी जीवन भर दवाइयाँ खाऊँगा, इतनी इतनी दवाइयाँ। इसकी वजह से जीवन जीने की जो आशा होती है वो एकदम ख़त्म हो गई थी मेरी। मुझे लगता था कि कब मैं मर जाऊँगा मुझे पता नहीं, और जो है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गया था। मैंने कहा कि अब फेक वीडियो हो, कोई कमाने खाने के लिए ये सब कर रहा, तो मुझे कुछ ये लगा कि यार चलो यार पैसा तो मैं बर्बाद कर ही रहा हूँ अंग्रेज़ी दवाओं में, थोड़ा एक बार इनका भी ट्राई मार लेता हूँ। कुछ दिन तो मैंने दवा किया, धीरे धीरे इतना अच्छा रिस्पांस मिलने लगा तो फिर मैंने इनकी नियमित दवा जो है मंगानी शुरू कर। तो मेरा 2-3 महीने इलाज होने के बाद आज की डेट में मेरा कोई शुगर नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि फेक वीडियो, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी सिर्फ एक बार डॉक्टर साहब की दवा कर लें, क्योंकि मैं जानता हूं कि डॉक्टर साहब की दवा जो है वाकई में बहुत अच्छी है। आप जो है नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं और कोई जो है अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं कराते हैं, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है और आपको नेचुरल चीज़ें ही बताएंगे, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर नगर निगम चुनाव के जनसंपर्क अभियान के दौरान शुक्रवार को महापौर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने शहर के कई वार्ड में जनसंपर्क कर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर भागलपुर में डॉक्टर वसुंधरा लाल ने जनसंपर्क अभियान चलाकर एक ओर जहां घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, वहीं अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए मौका देने की बात लोगों से कही। वहीं शहर में चुनाव प्रचार वाहन से भी लगातार माइकिंग के साथ फिल्मी धुनों पर प्रचार किया गया। महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सुबह से ही अपने समर्थकों के साथ हैंडवील लेकर प्रचार प्रसार किया और शुक्रवार को उन्होंने अलीगंज, सुर्खी कर, जवारीपुर समेत कई इलाके के अलग वार्ड का भ्रमण कर जनसंपर्क किया। वहीं इसके बाद महापौर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने चंपा नाला चौक से पदयात्रा निकाला जो नाथनगर मुख्य बाजार और टमटम चौक होते हुए नरसिंह चौक से गुजरा और इस दौरान इलाके के लोगों ने भी मेयर कैंडिडेट को अपना समर्थन देने का भरोसा दिया। इधर मेयर कैंडिडेट डॉक्टर वसुंधरा लाल ने शहर के कई क्षेत्रों में लोगों से वोट देने की अपील करते हुए लोगों को शहर का हर स्तर पर विकास करने का भरोसा दिया। जनसंपर्क अभियान में काफी संख्या में पुरुष और महिला समर्थकों के साथ युवा कार्यकर्ता भी शामिल रहे।
भागलपुर नगर निगम की पूर्व महापौर सीमा शाह इस बार भी नगर निगम चुनाव में अपनी किस्मत आसमानी चुनावी मैदान में नजर आ रही है। पूर्व महापौर ने मेयर पद के लिए नामांकन किया था और अब चुनाव प्रचार के दौरान लगातार जनसंपर्क करती दिखाई दे रही है। शहर के अलग अलग वार्ड में जनसंपर्क कर सीमा शाह और उनके समर्थक अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए लोगों को अगले कार्यकाल में शहर का विकास करने का भरोसा दे रहे हैं। वहीं इस कड़ी में शुक्रवार को नगर भ्रमण किया जिसमें शीतला स्थान चौक, शिवपुरी कॉलोनी, छत्रपति रोड, सिकंदरपुर, दालमील रोड, पटेल नगर, गुरहट्टा चौक, पटेल बाबू रोड, काजवली चक समेत कई जगहों से महापौर और उसके कार्यकर्ताओं का काफिला गुजरा। इस दौरान बाजे गाजे के बीच सीमा शाह ने भ्रमण किया। वहीं दिन के दूसरे सत्र में प्रत्याशी कार्यालय के पास से जनसंपर्क अभियान निकाला गया। यह जनसंपर्क अभियान के दौरान भगत सिंह चौक, लोहापट्टी, शंकर टॉकीज, बूढ़ानाथ, कोलाघाट, मनरोजा, रामसर, कोतवाली, सराय चौक, डीएन सिंह रोड, वैरायटी चौक, लोहिया पुल के समीप और विभिन्न मोहल्ले में महापौर प्रत्याशी ने दूसरी बार मेयर बनने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। इधर घर घर जाकर सीमा शाह और उनके समर्थकों ने हैंडबिल के साथ चुनाव चिन्ह की जानकारी देकर विकास के एजेंडा को पूरा करने का विश्वास दिलाया, जबकि पूर्व महापौर सीमा शाह को जनसंपर्क के दौरान लोगों ने समर्थन का भरोसा दिया। भागलपुर नगर निगम चुनाव में उप महापौर प्रत्याशी कविता राय ने शुक्रवार को अपने समर्थन में मतदान को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया। कविता राय नगर निगम चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही है, जबकि इनके पति शिव शंकर राय भाजपा के पुराने और सम्मानित कार्यकर्ता भी हैं। अपने जनसंपर्क अभियान में कविता राय ने शुक्रवार को नाथनगर, चंपानगर, नसरत खानी, महाशय, ड्योड़ी, पटेल नगर और भीकनपुर के अलावा शाकचक और बरारी के इलाके में जनसंपर्क किया। इस दौरान कविता राय ने अलग अलग क्षेत्र की जनता से अपने समर्थन में मतदान कर भागलपुर नगर निगम का उप महापौर बनाने की अपील करते हुए शहर का चहुमुखी विकास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि धन बल और बाहुबल के दौर में एक स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को मौका देकर भागलपुर के विकास में सभी लोग सहयोगी बने। इसके अलावा उनके समर्थकों में भी प्रचार अभियान के दौरान खासा उत्साह देखा गया और लोगों ने अपना सहयोग देने की बात कही। भागलपुर विक्रमशिला पुल पर कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान सबौर के रजंदीपुर निवासी गोपाल शाह के पुत्र आशीष कुमार एवं इतवारी मंडल का पुत्र रूपेश कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों युवक बिहार एसएससी का परीक्षा देने पूर्णिया जा रहा था। शुक्रवार को इसकी परीक्षा आयोजित होनी है। दूरी ज्यादा होने के कारण गुरुवार को ही भागलपुर से पूर्णिया के लिए निकला था कि यह हादसा हो गया। बता दें कि नवगच्छा की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही कार ने विक्रमशिला पुल के बीच बाइक पर टक्कर मार दी जिससे कि युवक कुछ दूर जाकर पुल के गार्डर से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल दोनों का इलाज मायगंज अस्पताल में चल रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हथियार तस्करों की सूचना पर एसटीएफ टीम ने की छापेमारी, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। ढोल बजाकर मुखिया दे रहे हैं सरकारी योजनाओं की जानकारी, पंचायत के लोगों ने की उसके कार्य की तारीफ। बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी, प्रत्याशी और समर्थक कर रहे हैं जीत की दावेदारी। और एक बार फिर लोगों को सताने लगी कोरोना वायरस की चिंता, अधीक्षक ने कहा वायरस से लड़ने के लिए अस्पताल है तैयार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।